प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखते हैं संख्या पद्धति पार्ट 5 और उसमें पढ़ेंगे हम लोग द्विआधारी पद्धति। एक नया नाम आप लोगों को लग रहा होगा, आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा, द्विआधारी पद्धति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में दशमिक पद्धति पढ़ रहे थे। जो हम लोग नंबर पढ़ रहे थे अभी, जो भी नंबर हम पढ़ रहे थे, संख्याओं के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे थे, वो दशमिक पद्धति था, यानी डेसिमल सिस्टम था। जैसे कोई संख्या आप ले लीजिए 530, तो 530 जो है वो दशमिक पद्धति में है। तो दशमिक पद्धति में आप क्या देख रहे थे कि डिजिट होते हैं 10। संख्या पद्धति पार्ट 1 के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि डिजिट होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेकिन बाइनरी सिस्टम में जब हम आते हैं तो बाइनरी सिस्टम में डिजिट मात्र 2 हैं। बाइनरी सिस्टम में डिजिट 2 हैं। बाइनरी सिस्टम के माध्यम से भी हम लोग संख्याओं को व्यक्त करते हैं। आप देख लीजिए, कंप्यूटर जो है वो आपका दशमिक सिस्टम को नहीं जानता है, वो बाइनरी सिस्टम को जानता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपका दशमिक पद्धति में डिजिट लिखा हुआ होता है ज़रूर, लेकिन उसको कंप्यूटर नहीं समझता है। दशमिक पद्धति का आप आदेश देते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड में आप 8 का बटन दबाते हैं तो पहले उसको ट्रांसलेट करता है वो बाइनरी सिस्टम में, उसके बाद आपका जो स्क्रीन पर आपका आता है ट्रांसलेट करता है, पहले वो समझता है पहले बाइनरी सिस्टम में, उसके बाद आपका स्क्रीन पर वो दिखता है। तो बाइनरी सिस्टम क्या है? बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में हम कैसे बदल सकते हैं वो हम पहले देखेंगे। बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। कोई भी संख्या लिखना हो तो केवल 0 और 1 का यूज होता है, दूसरा कुछ नहीं है उसमें। और आप जानते ही हैं कि डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक एक 10 डिजिट्स हैं, उसी के आधार पर सारा संख्या को लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि बाइनरी सिस्टम में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे डेसिमल सिस्टम में हम कैसे व्यक्त करेंगे। बाइनरी सिस्टम में लिखी हुई संख्या को डेसिमल सिस्टम में कैसे व्यक्त करेंगे? मान लीजिए एक संख्या है, ये बाइनरी सिस्टम में है। बाइनरी सिस्टम में जो संख्या रहती है तो उसको हम संकेत में यहाँ पर 2 लिखते हैं। हिंदी में कहते हैं उसको द्विधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। अब इसको चेंज करना है डेसिमल सिस्टम में। ये एक संख्या है, बाइनरी सिस्टम में एक संख्या लिखी हुई है, इसको डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है वो आप ध्यान से समझिएगा। इसका रूल है कि सबसे पहले आप देखिए कि बाइनरी सिस्टम में जो संख्या है उसमें कितना डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है। तो इसको हम डेसिमल सिस्टम में चेंज करने के लिए 2 के पावर 5 × 1, देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें 6 डिजिट है तो पावर हम शुरू करेंगे 5 से, मतलब 6 से एक कम, 6 से एक कम, क्योंकि 6 डिजिट है, डिजिट जितना रहेगा उससे एक कम पावर शुरू करेंगे और 2 पर ही पावर देंगे। 2 पर पावर 5 × 1, देखिए ये वाला 1 आ गया, ठीक है। 2 पर पावर 5 दिए, 1 प्लस
फिर लिखेंगे 2 पर पावर 4 इंटू 0, ये 0 आएगा, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे और पावर प्रत्येक बार एक कम होते जाएगा, ठीक है। इसलिए कम होता है क्योंकि पहले इसको लिख रहे थे तो इस पर था पावर 5, क्योंकि इसके बाद इधर 5 डिजिट था, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए पावर 5 था। अब इसको लिख रहे हैं तो इसके बाद डिजिट 4 है, इसलिए 2 पर पावर 4 इंटू 0, फिर प्लस 2 पर पावर 3 इंटू, फिर क्या है, 1 है, 1, फिर प्लस 2 पर पावर 2 इंटू 0, ये वाला 0, फिर उसके बाद है प्लस 2 पर पावर 1 इंटू फिर 0, यहाँ दोनों 0 है, फिर प्लस 2 पर पावर 0 इंटू 1, ठीक। अब देख लिए पावर जो है सो बार बार एक एक घटते चला गया, यहाँ पर पावर था 5, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0, और उसके साथ एक एक करके डिजिट जो है सो मल्टीप्लाई होते गया, डिजिट को क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, जितना इसका वैल्यू आएगा तो इस जो बाइनरी सिस्टम में जो ये लिखा हुआ है उसका वैल्यू उतना ही होगा। देखते हैं क्या होता है, 2 पर पावर 5 करेंगे तो आपका आएगा 32, 2 का पावर 5 का मतलब हो गया 32, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार, 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, और 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, देखिए इतना काम हो गया। प्लस 2 का पावर 4 करेंगे तो आएगा 16, और 16 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 16 को 0 से मल्टी, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, तो 0 हो गया। फिर लिखे प्लस, आप 2 का पावर 3 करेंगे तो होगा 8, और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, 8, फिर प्लस, फिर यहाँ आएंगे 2 का पावर 2 करेंगे तो होगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0, फिर प्लस 2 का पावर 1 करेंगे तो होगा 2, पावर अगर 1 है तो वैल्यू कितना हुआ, 2, तो 2 हुआ, और उस 2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वैल्यू हो गया 0, फिर प्लस अब करेंगे 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, सो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज सुन लीजिए, 2 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, कोई भी संख्या हो, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन उसका पावर अगर 0 है तो उसका मान होता है 1, ठीक है। तो 2 का पावर 0 का मान हुआ 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1, हो गया ना, ठीक है। तो आप इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 32 और 8 40, 40 और 41 यानी 41 हो जाएगा, ये दार्शनिक पद्धति में 41 हो गया, ठीक है। आप 41 को जान रहे हैं लेकिन इसको नहीं जान रहे, अगर आपको ये कह दिया जाए, ये दे दिया जाएगा कि बताइए ये संख्या दार्शनिक प्रणाली में कितना है, तो ये संख्या जो लिखी हुई है बाइनरी सिस्टम में वो दार्शनिक प्रणाली में इसका वैल्यू 41 है। तो आप बाइनरी सिस्टम से दार्शनिक प्रणाली में व्यक्त करने के लिए समझ लें, ठीक है। बाइनरी सिस्टम में जब लिखा जाता है तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ नीचे 2 दिया जाता है, और दार्शनिक पद्धति में इसको लिखने के लिए यहाँ पर 10 दिया जाता है, 10 का मतलब दार्शनिक पद्धति में 10 डिजिट है और बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं, 2 ही डिजिट है बाइनरी सिस्टम में, 0 और 1। तो किसी भी बाइनरी सिस्टम वाले संख्या को
डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का यही एक रूल है। इस रूल को आप ठीक से देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि कितना डिजिट है, उससे जितना डिजिट है उससे एक कम पावर शुरू होगा दो पर, दो पर उससे एक कम पावर शुरू होगा और गुना कर गुने इतना, फिर उससे कम उससे कम उससे कम पावर होता चला जाएगा और लास्ट में आपका पावर जीरो होगा। दो पर पावर जीरो गुने एक, अब यहाँ जीरो रहता तो गुने जीरो होता है नहीं, चाहे तो एक रहेगा चाहे जीरो रहेगा, और तो कुछ रहेगा नहीं बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में चेंज करने का क्या तरीका है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 41 आपका ये डेसिमल सिस्टम में है, अब इसको अगर हम बाइनरी सिस्टम में चेंज करें तो क्या यही आ जाएगा, ठीक है, आ जाना चाहिए ना, तो वो रूल हमको आना चाहिए। तो देखिए क्या उसका रूल है, 41 आपका डेसिमल सिस्टम में है तो आप इसको डिवाइड कीजिए बार बार 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार लग रहा है, 20 बार, और बैलेंस कितना हो जा रहा है शेष, यहां पर आप लिखेंगे शेष, इस कॉलम में आप शेष लिख के जाएंगे, ठीक है। तो 2 से आप डिवाइड किए 41 को तो 20 बार में 20 दुना 40 तो बैलेंस कितना बचा, 1। फिर 2 से दीजिए आप तो 10 बार में तो बैलेंस यहां कितना बचा, 0। पूरा का पूरा भाग लग गया ना, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है ना, तो रिमाइंडर यहां पर 0। फिर देंगे 2 से तो 5 बार में तो यहां पर रिमाइंडर कितना, 0। फिर देंगे 2 से तो 2 बार में तो यहां रिमाइंडर कितना, 1। 2 दूना 4 1 रिमाइंडर बच गया। फिर देंगे 2 से तो 1 टाइम में तो यहां रिमाइंडर कुछ नहीं, रिमाइंडर यहां क्या हुआ था, 0। 0 लिख दिया, ठीक, अब खत्म हो गया। यानी तब तक हम देते जाएंगे जब तक यहां 1 ना आ जाए, तब तक 2 से बार बार देते जाएंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो इधर हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और तब हम इसको अब लिख देंगे बाइनरी सिस्टम में इसका वैल्यू, देखिए यहां से लिखना शुरू करेंगे नीचे से 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो आप लिखते हैं हम 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये आपका बाइनरी सिस्टम में इसका वैल्यू हो गया। तो देखिए आप यही है ना, यस सर, सेम टू सेम है, इसलिए बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में चेंज करने पर इसका वैल्यू 41 होता है, और 41 को जब हम फिर बाइनरी सिस्टम में चेंज किए तो फिर वैल्यू हो गया 101001, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए बच्चों, बाइनरी सिस्टम का जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी सिस्टम। दो संख्याएं बाइनरी सिस्टम में लिखी हुई है और इनको जोड़ना है, तो जो आप डेसिमल सिस्टम का जो आप जानते हैं उससे इसमें थोड़ा सा अंतर है। बाइनरी सिस्टम का रूल जो है आप देखिए क्या है, 1011 1011, इसको जोड़ना है बाइनरी सिस्टम में, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में जब 2 हो जाता है तब 2 का 0, और दशमिक सिस्टम में क्या होता था, 10 का 0 और उधर जो बाकी रहता था वो 1 रह गया, क्या हाथ में 1, वो सिस्टम चलता था। और इसमें 2 हो जाएगा तो 2 का 0, जैसे 1 और 1 2, 2 का 0, ठीक है।
और आपका क्या रह गया उधर हासिल एक, दो का जीरो हासिल एक। अब इसमें जोड़ेंगे उसको उसी तरह से, तो एक और एक दो, ठीक है, और एक और आया सो तीन हो जा रहा है इस तरह से, तो तीन का एक फिर हासिल दो, और फिर यहां पर जीरो जीरो, तो दो का एक। तो इधर देखते हैं यहां पर हो गया एक, अब इधर जीरो और जीरो है, तो जो एक जो उधर से आया वो यहां आ जाएगा, फिर एक और एक होता है दो, तो दो का जीरो, और बाकी रह गया उधर एक, तो अब एक का एक यानी इसका इतना हो गया आंसर, जोड़ करके आपका इतना आया। अब इसका हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या रूल है वो देखिए आप। तो एक में एक माइनस किए तो बच गया जीरो, और जीरो में जीरो भी माइनस किए तो बच गया जीरो, और अब जीरो में वन माइनस नहीं हो रहा है तो क्या लेते थे हम लोग, कैरी लेते थे उधर से, उधार लेते थे। तो यहाँ उधार जब हम लेते थे दशमिक पद्धति में तो दस मिलता था नहीं, लेकिन यहाँ पर दो मिलता, ये द्विआधारी पद्धति है इसलिए दो, वो दशमिक पद्धति था इसलिए दस मिलता था, ठीक है। क्यों मिलता है दो वो भी आप जानिए, तो यहाँ पर दो मिलेगा तो दो में एक, तो फिर एक, और यहाँ पर क्या बचा जीरो, तो यहाँ हो गया जीरो, तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको जांच भी कर सकते हैं कि अगर ये बाइनरी सिस्टम में है, ठीक है, तो बाइनरी सिस्टम में अगर ये है और जोड़ा गया है दोनों को, तो ये भी जो है योगफल ये बाइनरी सिस्टम में आया, आया ना बाइनरी सिस्टम में, तो हम इसको दशमिक पद्धति में चेंज करके, दोनों को हम दशमिक पद्धति में चेंज कर लेंगे डेसिमल सिस्टम में, और फिर उस सबको दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा दशमिक पद्धति में, मान लो कि इसका आ गया दशमिक पद्धति में 12, ठीक है, तो दोनों तो एक ही चीज है दोनों, अगर इसका 12 आ गया इसका भी 12 ही आएगा, तो 12 12 24। अब 24 को फिर हम दशमिक पद्धति से बाइनरी सिस्टम में चेंज जब करेंगे तो क्या यही आएगा कि नहीं, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले इसको आप डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए, तो डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का हम क्या उपाय बताए थे, इसमें एक दो तीन चार डिजिट है, तो दो पर पावर तीन रहेगा पहले, तो दो पर पावर तीन इंटू वन प्लस दो पर पावर दो गुने जीरो प्लस दो पर पावर तीन वन गुने एक प्लस दो पर पावर जीरो टू के पावर जीरो इंटू वन, ठीक है, इसी तरह नहीं होगा। अब इसको हम चेक सॉल्व करते हैं, तो दो का पावर तीन कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस दो का पावर 4, तो हो गया दो पर पावर दो कितना होगा 4, और 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो प्लस दो पर पावर एक का दो होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो होगा प्लस दो का पावर जीरो का वैल्यू 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1। अब कितना आया जोड़िए 8 2 10 1 11 11, इसका मतलब ये जो है आपका 11 है, तो ये भी 11 है, तो ये कितना है 22 है, है ना 22। अब हम देखते हैं 22 को चेंज करके बाइनरी सिस्टम में क्या ये आ जाता है,
अगर 22 को हम बाइनरी सिस्टम में चेंज करेंगे, जो दो दो से डिवाइड कर करके बार बार कर रहे थे ना, उस तरह से करके देखेंगे तो क्या ये वाला मेरा आएगा। अगर आएगा तो समझेंगे कि हम लोग बाइनरी सिस्टम को सीख रहे हैं। क्या देखते हैं 22 को आप बाइनरी सिस्टम में चेंज कीजिए। तो सिस्टम क्या था, दो से डिवाइड करने का, तो 11 बार में तो कितना यहाँ पर बैलेंस हुआ, रिमाइंडर जीरो, यहाँ पर शेष लिखते थे ना। एक फिर दो से तो 5 बार में, ठीक, तो यहाँ पर रिमाइंडर वन, फिर दो से तो 2 बार में रिमाइंडर वन, फिर दो से तो 1 बार में और रिमाइंडर जीरो। अब देखिए कितना हो रहा है, 101 10 यानी 101 और फिर 10। क्या ये है 101 10 सही है। इसका मतलब है कि आप बाइनरी सिस्टम को सीख चुके हैं, ठीक है। बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में चेंज करना और डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में चेंज करना, ये दोनों बातें आप सीख चुके हैं। इसलिए आप इस पर कोई भी क्वेश्चन लेकर के अपने से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 25 क्वेश्चन आप बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में चेंज करने का लीजिए और 25 क्वेश्चन आप डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में, जो मन करे ले लीजिए। बाइनरी सिस्टम में जब आप लिखेंगे तो केवल 0 और 1 का यूज करेंगे, और डेसिमल सिस्टम में जब आप लिखेंगे तो आप तो 10 डिजिट जो है 0 से लेकर 9 तक किसी का भी यूज करके आप कोई संख्या ले सकते हैं और उसको फिर आप बाइनरी सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। और बाइनरी सिस्टम में आप 0 और 1 का यूज करके कोई संख्या लीजिए, फिर उसको डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए। इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपका नॉलेज बढ़ेगा। और आपका ये पार्ट 5 था संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति का पार्ट 5 बाइनरी सिस्टम आप समझ चुके हैं। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को, एक बार में हो सकता है समझ में नहीं आवे क्योंकि नया चीज़ था, तो बार बार इस वीडियो को आप देख करके रिप्ले करके देखिए और इसको समझिए। और इसका एग्जाम्पल का क्वेश्चन लेकर के आप 50 क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।